हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोम स्टडी जोन में। जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको हाउ टू बुक ए इंडियन रेलवे टिकट उसके बारे में बताया था। आज मैं जनरली आपको बताने वाला हूँ कि जब आपने टिकट बुक कर लिया, आपका टिकट कन्फर्म भी हो गया और आप जर्नी के लिए बिल्कुल एकदम रेडी हो, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि इतनी सारी बोगी रहती हैं। आपको पता होगा कि ट्रेन आपने स्टार्टिंग में छोटी क्लासेस में भी अगर पढ़ा होगा, आप वैसे इतने आप बहुत समझदार होंगे मुझे पता है, लेकिन अगर आपको तब भी इन्फॉर्म नहीं है तो आपके लिए बता रहा हूँ कि बोगी में जो अलग अलग क्लासेस होती हैं वो क्या होती हैं। जनरल सी बात है कि आपको किन टाइप की बोगीज़ का सामना करना पड़ता है अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं तो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ट्रेन्स में सब बोगी प्रेजेंट होती हैं, किसी में स्लीपर प्रेजेंट नहीं होती, किसी में ऐसी चेयर कार प्रेजेंट नहीं होती, तो अलग अलग कंडीशन होती है अलग अलग ट्रेन की। तो उसमें एक बार आप डायरेक्टली ट्रेन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेन नंबर के थ्रू आप गूगल में ट्रेन नंबर टाइप कीजिए और वहां से आपका सीटिंग प्लान चेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी आपके लिए बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडियन रेलवे को देखें तो एसी और नॉन एसी के बेस पर, एसी और नॉन एसी के बेस पर मेनली जिनमें डेली यात्रा की जाती है, मेनली जब सबसे ज़्यादा टिकट बुक किए जाते हैं वो होता है स्लीपर, सेकंड सिटीजन, जनरल क्लास। ये सब क्या हैं? नॉन एसी के अंडर में आते हैं। नॉन एसी के अंडर में कौन कौन से आते हैं? नॉन एसी के अंडर में वो आते हैं, एक तो आपका स्लीपर हो गया, स्लीपर और आपका सेकंड सीटिंग हो गया, सेकंड सीटिंग, और एक आपका कौन सा, हाँ कौन सा, अनरिजर्व होता है जिसे जनरल डिब्बा भी बोला जाता है, ठीक है, वो आपका नॉन एसी। ये तीन कैटेगरी मेनली होती है। जबकि मैं अलग अगर एसी के बेस पे बात करूँ तो मेनली आपको जो इंडियन रेलवे में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको एसी, एसी फर्स्ट, कौन कौन सा, एक तो आपका एसी फर्स्ट हो गया, एक एसी टू हो गया और एक एसी थ्री हो गया, ठीक है। ये आपके एसी एयर कंडीशनर डिब्बे होते हैं या बोगी होती हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि स्लीपर, जनरल डिब्बा और सेकंड सीटिंग ये आपके नॉन एसी होते हैं, जबकि एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, एसी थर्ड ये आपके क्या होते हैं, हाँ क्या होते हैं, ये आपके एसी होते हैं। तो अगर स्लीपर की बात करें, स्लीपर में S1, S2, S3, S4, S8 तक जितने भी तक भी डिब्बे होंगे तो S से डिनोटेड किए जाते हैं जनरली। अगर स्लीपर के अलावा मैं आपको बात बताऊं जनरल की, तो जनरल आप GEN जनरल डिब्बा होता है या फिर सेकंड सीटिंग होता है। सेकंड सीटिंग में अगर किसी डब्बे में, ध्यान दीजिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, अगर किसी डब्बे में सेकंड सीटिंग, आपको सेकंड सीटिंग रिजर्व सेकंड सीटिंग क्लास D1, D2, D3 से डिनोट किया जाता है, अगर इंडियन रेलवे में ये प्रेजेंट नहीं होता तो S1 और S2 आपके डिब्बे क्या होते हैं रिजर्व सेकंड क्लास होते हैं, ठीक है। बात बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आप परेशान हो जाते होंगे कि सेकंड क्लास सीटिंग कौन सी होती है, कैसी नहीं होती, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं है सेकंड क्लास सीटिंग में और स्लीपर में, सेकंड क्लास सीटिंग और जनरल में, बस इतना डिफरेंस होता है कि जनरल डिब्बा आपका अनरिजर्व होता है, वहाँ पर आपको कोई प्रॉपर सीट नंबर नहीं दिया होता है टिकट के ऊपर, जबकि रिजर्व सीटिंग सेकंड क्लास में आपका जो डिब्बा सीट होती है वो रिजर्व होती है, उस पर आपको सीट नंबर गिवन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है सेकेंड क्लास सीटिंग और सॉरी जनरल डिब्बे के बीच में। वहीं स्लीपर की बात करें तो स्लीपर डिब्बा सबसे
अगर कॉस्टली की बात करूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो जनरल डिब्बा आपका सबसे मिनिमम प्राइस का होता है, उससे बड़ा थोड़ा सा लेवल उसका सेकेंड सीटिंग का होता है जो आपका रिजर्व डिब्बा होता है। रिजर्व दूसरी बात आपकी उसके ऊपर होता है, स्लीपर होता है। स्लीपर में जाने के बाद में आपका एसी वो अलग अलग कंडीशन में हो सकती है, तो ठीक है। फर्स्ट टीयर एसी, फर्स्ट टीयर एसी स्लीपर का भी मैंने बता दिया। फर्स्ट टीयर एसी की बात करें तो आपका ये डिब्बा कौन किससे डिनोट किया जाता है, जनरली एच से डिनोट किया जाता है, H1, H2, H3 से, ठीक है। और अगर एसी टू है तो आपका A1, A2, A3 से डिनोट किया जाता है। वहीं थ्री टीयर एसी को आप B1, B2, B3 से डिनोट कर सकते हैं। और क्लियरली बहुत से बोगीज में क्लियरली लिखा भी होता है द्वितीय श्रेणी वगैरह हिंदी में, मैं इतना उनके बारे में हिंदी इतना नहीं जानता। तो आप जहाँ पे भी अगर किसी ट्रेन में विजिट कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप गूगल पर सर्च करिए, वहाँ से आपको सब ये मिल जाएगा। लेकिन मैं जनरल सी बात इनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी आप जनरल अनरिजर्व सीटिंग होता है AB 2 एंड थर्ड टीयर एसी कम्बाइंड A1 B2 और ये सब क्या हैं, अपने काम की चीज़ें नहीं है जो मैंने बताई आपको। एसी फर्स्ट टीयर, सेकेंड टीयर, थर्ड टीयर ये आपके एसी होते हैं, वहीं नॉन एसी आपके जनरल, स्लीपर और सेकंड सीटिंग होते हैं। इन्हीं में ही ज़्यादातर क्या होती है, जर्नी करते हैं इंडियन पीपल्स, आतिवासियों में। सो ये कुछ होते हैं। नीचे लिखा हुआ जैसे फॉलोइंग इज द रैंडम एक्सप्रेस ट्रेन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इस टाइप का होता है जैसे ये दिया हुआ SLR, एक सेकेंड थोड़ा सा इसे अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये रहा, ठीक है। जैसे SLR मतलब अगला वाला डिब्बा भी, उससे भी आपको कुछ लेना देना नहीं होता है, वहाँ पर आपके जो पायलट वगैरह होते हैं वहाँ बैठते हैं। सेकंड में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होता है वहाँ पे सब वो रहता है, जनरेटर वगैरह जहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है पूरी बोगीज़ के लिए। और थर्डली यहाँ पे S1, S2, S3, S4, S7 तक आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, स्लीपर क्लासेस है। वहीं पे PC कुछ होगा, PC अभी मैंने बताया था, नहीं बताया, PC आपका होगा कुछ पेंट्री कार, ये डिब्बा अलग होता है। B1, B2, B3 ये ऐसी थर्ड हैं, ये आपके A1, A2 ये आपके क्या हैं, सेकेंड टीयर एसी के हैं, और H1 आपका फर्स्ट एसी है, और ये लास्ट में आपका ये कंप्लीट ये लास्ट का होता है जहाँ से वो हरी झंडी दिखाता है, ठीक है, SLRD, ठीक है। तो यू कैन कॉमेंट योर आंसर, होप यू वुड यू हेल्प यू, हैप्पी टू हेल्प, ओके। अब दूसरी बात, अगर आपके पास ट्रेन नंबर है, तो डायरेक्टली आप गूगल में जाकर डायरेक्टली वहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी, उसका कैसा अरेंजमेंट है, कैसी कंडीशन है, कहाँ से चलती है, कैसे जाती है, वो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। जैसे ट्रेन नंबर फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ट्रेन नंबर ले लेता हूँ 14116, ट्रेन नंबर, ठीक है, 14116 हरिद्वार जंक्शन के लिए, जंक्शन से इलाहाबाद जंक्शन के लिए ये रवाना होती है। स्टेशन कौन कौन से हैं, लक्सर जंक्शन, नजीबाबाद जंक्शन और मुरादाबाद और रामपुर, ये इसके जंक्शन हैं, और कम्प्लीटली लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप गूगल पर सर्च करके डायरेक्टली किसी भी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मतलब इतना ही था कि नॉन एसी और एसीज कौन कौन सी बोगी होती हैं, आप खुद एक बार आपका टिकट कंफर्म हो गया या फिर आप विजिट करने के लिए तैयार हैं तो आप खुद ही इतने उत्साहित होते हैं कि अपनी सीट को तुरंत पहचान लेंगे कि आपकी सीट कहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इंडियन रेलवे, ये आपके लिए काम आएगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय।